है, हम किचन को क्लीन कर लेते हैं तो फिर दूसरा जो पराठा है वो भी साथ फ्राई कर लेते हैं। नवाला बनाते हैं ना जब कामरान साहब जब ये नवाला बनाते हैं तो पता नहीं फिर ऐसा होता है कि जो ये नवाला जो बन गया ना ये हमारे मुँह में जाना चाहिए। चाय हमारी माशाल्लाह जबरदस्ती रेडी है। चाह के डुबो के ना तो फिर गर्म गर्म चाह के डुबो के तो जो मेथी तो आलू का पराठा हो तो वह भी खस्ता हो तो फिर खाओ तो फिर अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबकी ठीक ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती और शफा दे। जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे। जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे। जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे। जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी ऑल फैमिली के लिए लव यू बहुत सारा प्यार बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, प्लीज रोमान में रखे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक सबको अपनी रोमान में रखे। मेरी आप फैमिली के लिए लव यू। तो जी फैन जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को जल्दी से करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल को प्रेस ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके पास आती रहे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान बहुत ही ईजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम बनाएंगे आलू मेथी का पराठा जो एक ईजी रेसिपी है और मेरे पास दो तीन तरीके हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो आज हम बनाते हैं आलू गोभी का पराठा। आलू गोभी ओ आलू मेथी आलू गोभी का भी सारे बनता है, आलू मेथी के बनता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आलू गोभी मौजूद है, सालन है, आलू मेथी आलू मेथी का सालन मौजूद है। आज हम बनाएंगे आलू मेथी का पराठा जो कि सबका पसंद का फेवरेट का है। ये मेरे पास है आलू मेथी का सालन जो बचे हुए सालन का पराठा। तो एक और भी मेरे पास रेसिपी है वो भी हम आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पर हम बनाते हैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल होता है। आपको पता है कि जो इसके अंदर ना हमने चाय के साथ पराठा खाना होता है जितना कि हमने खाना है उसका थोड़ा सा तेज़ बनाते हैं। इसके अंदर आलू भी है, इसके अंदर मेथी भी है। तो जी हम पराठा आपके साथ जो किस तरह बना सकते हैं हम मेथी का पराठा, तो चलिए जी थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल लेंगे नमक, नमक डाल लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको स्पाइसी बनाना है मज़ेदार सा। और हम थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे हल्दी और आपने अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप नॉर्मल जो सालन आपने बनाया अगर आपने उसी का बनाना तो उसी का बना लिया। तो यहाँ पे जी थोड़ा जाया थोड़ा सी घी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गया मसाला, गरम मसाला चुटकी चुटकी मैंने डाले हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मैश, किसके साथ कर लेंगे इसके साथ। आलू भी मैश हो गए हैं और मेथी भी मैश हो गई है हमारी, यहाँ से बड़ी आसानी से इसके साथ हो जाता है। तो फिर हम मज़ेदार सा हम बनाएंगे मीठी वाला पराठा। देखिए कितनी जल्दी हो गया, कामरान को ये बड़ा याद रहता है कि इसके साथ करना है। हाँ जी नमाज़ देता है पैसे खर्चे थे कामरान को ये बड़ा होता कि इसके साथ कर लो क्योंकि इसके साथ बड़ा आसानी से हो जाता है। मैंने ना मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, काफ़ी दिन हो गए, मैंने कहा करनी है लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज जो मैंने जो खाना है पराठा कामरान को बना के देना था, मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ ताकि इजीली आप सालन जो होता है ना उसको बच्चे हुए सालों को ज़्यादा ना दिया करें, आप उसकी मज़ेदार सी उसके पराठा बनाया करें। आटा वही है जो घर जो नॉर्मल आटा होता है ना घर वाला जो हमने गुना होता है वही आटा है। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने पेड़े बना लेने हैं दो पेड़े छोटे छोटे। तीन स्टेप वाला बनाओ यार, तीन वाला बनाए वो भी बना लेते हैं, दो बना लेंगे ना दो पेड़े कर लिए सिंपल इसी तरह आपने पेड़े कर लेने हैं। ये देखिए जी हम इसको रखते हैं साइड पे और यहाँ पे ना इसको बेल लेते हैं बिस्मिल्लाह। घी का भी बना सकते हैं और यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ आय का, पता आपको जो घी का पराठा ना मतलब कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप घी का मक्खन का
देसी घी का बना सकते हैं। मैडम जी चाह उबल गई है थोड़ी देखना सारे मसाले जो भी हमने आलू वगैरह डाला हुआ सारा इसके अंदर मैश हो गया है, जबरदस्त लग रहे हैं। थोड़े से ना मोटे मोटे रखे थे, नजर भी तो आए ना, इसलिए सारा इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पे जी हम इसको इसके ऊपर रख देंगे जो दूसरा पीस पीला हुआ है। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। ये है जी हमारा मेथी वाला परांठा। इसको हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे, फिर मेथी बाहर आ जानी है इसकी ना। इसको हम हल्का सा बेलेंगे इसको, बड़े प्यार से। ज़्यादा बेलेंगे तो मेथी बाहर आ जाएगी जो हमने डाली है इसके अंदर ना, फिलिंग की हुई है। वाह जी वाह, लेवल पूरा कर देता है जी। अगर आपको समझ ना आए तो अभी उठा के सही कर ले, पक के नहीं हो सकता। अभी अभी कर लेंगे ना तो इसको हम इस तरह बंद भी कर सकते हैं यहाँ से ना। हो गया ना, अच्छे से बंद हो गया ना, मेथी बारी नहीं आएगी हमारी, क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा ज़्यादा भरी है, थोड़ी बहुत आ भी सकती है। हम ज़्यादा इसको गलेंगे तो बाहर आ जाएगी हमारी मेथी वगैरह। मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना है मज़ेदार सा, ठीक है। अभी मैंने इसको अच्छे से बेल के तो इसको हम डाल, कहाँ चला गया देखा, कहाँ चला गया आस पास, दौड़ता भजता इधर उधर। यहाँ पे जी ये है जी मेरी रेसिपी जो मेरे तरीके से मैं इस तरह बनाती हूँ, इतना मज़ेदार बनता है ना, तो उसके पूरे बड़े अच्छे मज़ेदार से बनते हैं। वाह जी माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसका आलू भी नज़र आ रहा है, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ साथ हम किचन को क्लीन कर लेते हैं, तो फिर दूसरा जो पराठा है वो भी साथ फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने इसको पलटा दिया। यहाँ पे जी हम डालेंगे इसके ऊपर ऑयल, ऑयल डाल दिया मैंने इसका। साथ साथ देखेंगे हमारा जो परांठा है नीचे से हमने इसको इस तरह पलटा लेना है, पलटा के इसको हमने गोल गोल घुमाना है ताकि दोनों से हर जगह से ना इसका ना प्रॉपर कुक हो। माशाल्लाह मेथी दिया खुश हो वहाँ आनी है मज़ेदार सी। यहाँ पे चाय भी रेडी हो गया और यहाँ पे क्रिस्पी वाला परांठा भी यहाँ पे। वैसे तो खुशबू होती है मगर मैं आपने खुशबू करना है। हाँ जी, जो मर्जी है ना वो तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, यहाँ पे जी हमारी चाय भी रेडी है, यहाँ पे डालना चाह थले का देती थी नहीं उबलती। नहीं 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 नहीं, वो ज़्यादा मैंने कहा ब्लैक हो जानी है, फिर इसका कलर खराब हो जाना था चाय का। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बाद में दिखाऊंगी उठा के ना। अगर आपने मेथी वाला परांठा बनाना ना, भर के बनाइएगा, फिर इसका टेस्ट आएगा आपको। हाँ जी, वो ना हो गए मेथी वाला परांठा हो, अंदर मेथी ना हो तो उसका मज़ा क्या आना है। फिर ना ही है ना परांठा। माशाल्लाह जी, लुक तो बड़ी जमीन लग रही है यार। देखिए जी आलू ने इसके अंदर वो कर दिया ना सुराख, कोई गाने खा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है तो ठीक खाना। लेकिन ये जो मैं जिस तरह बना रही थी ना पराठा, मैं आपको उसी तरह दिखाने वाली हूँ। एक रेसिपी और भी है मेरे पास इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। आजकल सीज़न है आलू मेथी आलू गाजर सब्जियों का सीज़न है आजकल माशाल्लाह। साथ में हम चाय भी डाल लेते हैं कप में, या बाद में डालें चाय? अच्छा चले, दूसरा भी बनाते हैं। ये डन हो गया है तो निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, यहाँ पे जी हमने एक पराठे के साथ हमने दो पराठे तैयार कर लिए, टू इन वन। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार सा ये हो गया है हमारा परांठा रेडी। ये देखिए यम्मी सा परांठा है, ये हो गया है रेडी। आलू तो बिच सही मैश हो जाते हैं, मज़ेदार नज़र भी आ रहा है कुछ ना, तो साथ में दूसरा परांठा भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से।
देखिए जी चाय मेरी मैंने रखी हुई थी बना के, तो ये है जी मलाई वाली चाय, ये है मेरी ज़बरदस्त माशाल्लाह, जिसके साथ कामना खाएंगे परांठा और चेंज करेंगे। और दूसरा जो परांठा ना तो उसी की रेसिपी में साथ ही लगा दूंगी, अब वो देखिएगा। यहाँ मेरी मेरा परांठा हो गया रेडी चाय के साथ, काम इसको टेस्ट करने वाले हैं मज़ेदार सा। फिर ना अंजू महमद और सबके मुँह में पानी आने वाला है, तिया के और मेरी शहजादी जो है नादिया बाबर के मुँह में पानी आने वाला है, जो उज़मा चौधरी मेरी रेसिपी देखती है, सारे देखते हैं। कभी जब कामरान उज़मा चौधरी ने पता क्या कहा था, कभी जब कामरान भाई ये खाने लगे थे ना तो मैं कह रही ये नवाला मेरे मुँह में डाला जाए। वाह जी वाह, तो ये आज आधे भी टेस्ट करें मुझे बताएं। हाँ वाह जी वाह, वही टाइम आ गया, वही जो टाइम आता है ना खाने का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कामरा साहब है ना एक अकेला अकेला करके खाते हैं, वैसे मैं कहती हूँ डबल डबल तोड़ के खाएं। डबल ही तोड़ के खा लेने हैं, खाना ही है। हाँ लो, कामरा तो सिंगल सिंगल बना के खाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है आपने खाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन अगर आपका बच जाए तो उसको ज़ाया ना किया करें, उसको हम परांठे बना के इस्तेमाल किया करें, परांठों के साथ खा लिया करें, या परांठे मतलब कि अलग से आप उसका ना मतलब कि सालन के साथ खा लिया करें। ये कि मज़ेदार था, यहाँ से यमी यमी परांठा रेडी है जनाब, इसको खाने वाले हैं। माशाल्लाह जी, परांठा होए आलू मेथी दा, अभी वो जो नवाला बनाते हैं ना, जब कामरान साहब जब वही नवाला बनाते तो पता नहीं फिर ऐसा होता कि जो ये नवाला जो बन गया ना ये हमारे मुँह में जाना चाहिए। चाय हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेडी है, चाय दे विच डुबो के ना तो फिर गर्म गर्म चाय दे विच डुबो के तो जे मेथी तो आलू का पराठा होए तो वह भी खस्ता होए तो फिर खाओ तो फिर माशाल्लाह वाह। चाय हमारी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, चाय जो है ना मज़ेदार सी चाय हमारी ज़बरदस्त रेडी है। माशाल्लाह यार आसवा, मज़ा ही आ गया यार, मज़ा तो आना ही है क्योंकि इसके अंदर मसाले प्रॉपर हैं, दोबे लगा लगा के खाएं आप बस सर्दियों में परांठे। वाह यार माशाल्लाह, चलो जी हाँ वाह जी वाह, कामना का तो जी इन्होंने खाना है और मैं और बनाती हूँ मजीद परांठे। तो आपका मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके पास आती रहे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो अपनी अपनी फरमाइश भी बताया करें मुझे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। माशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, माशाल्लाह सबको रिप्लाई भी देती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो चलो जी इसके साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। ओके अल्लाह हाफिज़, गुड बाय फ्रेंड्स।